हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा लजीज शीर खुरमा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए शीर खुरमे की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। आप एकदम बहुत ही ज़्यादा लजीज और एकदम गाढ़ा शीर खुरमा बिना दूध ज़्यादा देर जलाए, बिना मावे के बहुत ही आसानी से घर पर रेडी कर सकते हैं। और स्वाद इतना ज़्यादा इसका जायकेदार है कि आप इसे एक बार बना लिया तो बार बार हर ईद पे यही बनाओगे, यानी कि ईद नहीं होगी फिर भी आप ईद के जैसे इसे बना के खाना पसंद करोगे, इतना ज़्यादा टेस्टी ये बनता है। और बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है। तो इसीलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हमारे इंग्रेडिएंट्स है, ये हमने आधा कप सेवई ली है। सेवई हमने बारीक वाली ली है, अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो मोटे वाली ले सकते हैं, लेकिन अगर बारीक वाली है तो बारीक वाली ही लें, क्योंकि ज़्यादा बेहतर बारीक वाली ही होती है। और ये हमने हाफ कप चीनी ली है, चीनी आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जैसा भी मीठा खाना पसंद करते हो। और ड्राई फ्रूट्स भी हमने लिए हैं, थोड़े से काजू लिए हैं जिसे हाफ कट कर लिया है, थोड़े से बादाम लिए हैं, बादाम को हमने भिगो के उसके छिलकों को निकाल दिया है, क्योंकि छिलके जब मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए छिलकों को निकाल के ही यूज़ करें। थोड़े से हमने सूखा नारियल लिया है जिसे कट कर लिया है, थोड़े से पिस्ता कट के हुए लिए है, थोड़े से चिरंजी लिए है, चिरंजी बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है इसका। और पांच ही हमने इलायची ली है, इलायची को हमने खोल लिया है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स तो ऐसा है कि आप इसमें जब ईद के लिए बना रहे हैं शीर खुरमा, तो जितना भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे उतना डाल सकते हैं, तो अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जितना भी आप डालना चाहे। अभी हमने 1 लीटर दूध लिया है और 2 चम्मच ये हमने मिल्क पाउडर लिया है। तो फ्रेंड्स, हम मिल्क पाउडर को दूध में डाल देंगे। मिल्क पाउडर को हम दूध में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिल्क पाउडर हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अगर आपके पास फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप इस तरीके से मिल्क पाउडर डाल सकते हैं, जिससे दूध गाढ़ा हो जाएगा और दूध का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो आपको ज़रूरत नहीं है मिल्क पाउडर डालने की, या फिर अगर आप मावा या खोया डालते हो इसमें तो उसका भी काम ये मिल्क पाउडर करेगा, तो आपको खोया डालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मिल्क पाउडर आप ऐड कर देते हो तो। बट लेकिन जो हम घर पे बनाते हैं शीर खुरमा, उसमें हम कोई मावा नहीं ऐड करते हैं और मिल्क पाउडर भी हम नहीं डालते हैं। लेकिन मिल्क पाउडर अभी हमने आपको इसलिए बताया है ताकि अगर आपका दूध पतला है, यानी कि फुल फैट मिल्क नहीं है, तो आप मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो यकीन माने फ्रेंड्स, आपको कोई भी मिल्क पाउडर या मावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा टेस्टी उसके बगैर भी बन जाता है। तो इंग्रेडिएंट में हम इसके अलावा 1 चम्मच घी का यूज़ करेंगे, और एक और ख़ास इंग्रेडिएंट है वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो हम गैस पर बर्तन में 1 चम्मच घी लेंगे, इसमें हम सेवई ऐड करेंगे। तो सेवई को हमें घी में भुनना है और लो फ्लेम पर ही हम इसे चलाते हुए भुनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब सेवई भुनने के लिए घी का ही यूज़ करें, क्योंकि तेल में इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आता है, घी में ही टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए घी का ही यूज़ करें इसमें। तो इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए, सेवई बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है, देख सकते एकदम बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है इसका। तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। दूध ऐड करने के बाद इसमें हम उबाल आने देंगे। तो देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। अब ये हमने जो हमने बताया था कि आगे हम आपको बताएंगे कि एक ख़ास इंग्रेडिएंट, तो वो ख़ास इंग्रेडिएंट यही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 1 चम्मच साबूदाना को साफ़ पानी से अच्छे से वॉश करके 15 मिनट ऐसे पानी में भिगो दिया था। तो इसे सिर्फ 15 मिनट भी अगर आप भिगोएंगे तो साबूदाना आराम से भीग जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसे सोक होने में। तो अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स,
साबूदाना ऐड करने से दूध तो गाढ़ा होगा ही होगा, यानी कि शीर खुरमा गाढ़ा तो होगा ही, बट इसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है। अगर आपने इस तरीके से एक बार शीर खुरमा बना लिया तो आप बाकी सारे शीर खुरमे भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट ये बनता है, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम अपने घर पर भी बनाते हैं और हमारे घर पर यकीन माने जितने भी गेस्ट आते हैं उन सभी को ये शीर खुरमा बहुत ही इस तरीके से पसंद होता है, बल्कि कई तो रेसिपी भी इसके पूछते हैं, इतना ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। तो आप भी ईद ज़रूर इसको ट्राई करें। अब इसमें हम पहले इलायची ऐड करेंगे, अब बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे। चिरौंजी हम इसमें सारी ऐड कर देंगे, पिस्ता, काजू और बादाम हम थोड़े थोड़े बचा लेंगे, बाकी नारियल चिरौंजी हम इसमें सारा ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट्स में अगर आप छुआरे, किशमिश या मखाने पसंद करते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ड्राई फ्रूट्स तो आप अपने मन से ही ले सकते हैं, जैसा भी ड्राई फ्रूट आप खाना पसंद करते हो वो आप इसमें डाल सकते हो। तो इसे हम मीडियम आंच पर 10 मिनट पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हमने पहले इसलिए लिए इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि शीर खुरमा में इसका बहुत ही अच्छे से टेस्ट आ जाए, और इसीलिए बादाम हमने बिना छिलके के लिए, क्योंकि अगर हम बादाम के छिलके के साथ अगर इसको डाल देते हैं और 10 मिनट पकाते हैं तो क्या होता है कि छिलके निकल जाते हैं, फिर वो जो खाते टाइम मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही ख़राब लगते हैं, इसलिए बादाम के छिलके निकाल के ही यूज़ करें। तो इसे हम 10 मिनट पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पर ही चलाते हुए पकाना है इसको। तो 10 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पका लिया है, देख सकते हैं ये शीर खुरमा कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है इतनी जल्दी ही, और सेवई भी हमारी इसमें अच्छे से कुक हो गई है और साबूदाने भी अच्छे से पक गए हैं। साबूदाने आप चेक भी कर सकते हो, देखकर आपको पता चल जाएगा, अगर साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो गया है तो इसका मतलब आपके ये साबूदाने इसमें अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो दो दो चीज़ पकाने के बाद ही हमें चीनी इसमें ऐड करनी है, यानी कि सेवई पकने के बाद और साबूदाना पकने के बाद ही हमें इसमें चीनी को ऐड करना है। तो चीनी डालने के बाद 3 से 4 मिनट हम इसे और पका लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ा पतला हो जाता है शीर खुरमा, इसलिए इसमें हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। तो 3 मिनट हमने इसको और पका लिया है और देख सकते हैं कितना गाढ़ा ये हो गया है शीर खुरमा, ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है। और कलर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले इसका कलर डिफरेंट था और पकने के बाद इसका कलर डिफरेंट हो गया है, अब ये क्रीमी कलर हो गया है इसका। तो बहुत ही अच्छा ये बनता है और ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए इसको इतना ही पकाएंगे। तो देखा आपने कितना आसान तरीका है ये शीर खुरमा बनाने का, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करें, बनने में बिल्कुल आसान है लेकिन स्वाद इतना ज़्यादा अच्छा है कि बार बार यही बना के खाना पसंद करोगे हर ईद में। तब हम गैस ऑफ कर देंगे, प्लेटिंग करेंगे इसकी। तब एक सर्विंग बोल में हम इसको निकालेंगे। अब जो हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचाए थे वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर में ही, फिर आपको दिखाएंगे कितना बढ़िया ठंडा होने के बाद ये हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर में हमने ये शीर खुरमे को ठंडा कर लिया है और देख सकते हैं काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है, ये देखिए कितनी मोटी ये मलाई की परत इसके ऊपर जम गई है। रूम टेम्परेचर में भी हमने सिर्फ इसे अभी 10 मिनट ही ठंडा किया है, पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ है, तब भी इतना गाढ़ा हो गया, अगर फ्रिज में रखते हैं तो और गाढ़ा हो जाएगा। और इस शीर खुरमे के फ्रेंड्स एक सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसको आप जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे उतना ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ता जाता है, यानी कि जितना ज़्यादा ये बासी होता जाता है उतना ही ज़्यादा ये लजीज होता जाता है। तो अगर आप इसको जिस दिन बनाया है उसके अगले दिन खाएंगे तो ये और ज़्यादा लजीज लगेगा, तो इसे ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, 2 से 3 दिन तक आराम से आप फ्रिज में रख के इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो इस ईद इस शीर खुरमे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ही हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यारे से कमेंट में भेज सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना ना भूलें। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।